के अंदर होता है ये एग्जाम पहले होता था डीटीई के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन असम डीटीई अभी होता है डिटेल्स आर गिवेन तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा आपका फोर्टीन मार्च से लास्ट डेट थर्ड अप्रैल फिफ्टीन डेज से पहले एडमिट दे देते हैं हालांकि ट्वेंटी uh, uh, एट मे को है 28 में मतलब अभी से लेकर के नाइन्टी डेज आप मान सकते हो नाइनटी डेज से थोड़ा ज्यादा है वैसे लेकिन ठीक है आप नाइनटी डेज मान सकते हो थ्री बोर्ड्स वगैरह होंगे तो नाइनटी डेज तो ऐसे भी नहीं रहेगा फिर भी अगर आप एक ड्रॉपर वाले बच्चे हो तो कोई इश्यू नहीं है वैसे एंड डेफिनेटली uh, जो बच्चे नीट देंगे एनसीडी वाली देंगे उनके लिए तो और भी कम टाइम है एनी हाउ डिक्लेन ऑफ रिजल्ट विद इन टेन डेज ये हो ही जाता है एंड uh, यही है और कुछ भी आपको इश्यू हो कुछ भी डाउट हो वेबसाइट पे जाके वहाँ पे नंबर है तीन नंबर वहाँ पे दिया होता है कॉल कर सकते हो आपको मिल सकता है गारंटी में दे नहीं सकता क्योंकि मैं तो हैंडल नहीं करता हूँ ना हाँ आप मुझसे तो नहीं दे ही दूंगा इनफैक्ट सो यहाँ पे कुछ बच्चे के कुछ कॉमेंट्स है जो मैं लेना चाहता हूं अनिश ने दो दिन पहले पूछा था मैंने रिप्लाई दिया है सभी को लेकिन शायद बहुत बच्चों का भी यह प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए मैंने फिर से एक बार यहाँ पे बता रहा हूँ कॉमेंट के And are uh, so और सीयूटी का भी uh, uh, क्लैश हो रहा है तो सबसे पहले देखो ये इस साल नहीं है पहले साल भी, उससे पहले भी ऐसे क्लैशेस लेकिन यारी डब्ल्यू uh, जब होता है तब तो होता ही है एंड सैनियोंग uh, ने भी यही पूछा है एस एम सी डी एंड टू डू तो बेसिकली बात यह कि यार एग्जाम uh, तो उसी दिन होगा चेंज uh, नहीं हो सकता मेरे हिसाब से हालांकि uh, अगर कुछ चेंजेस होगा तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट तो कर ही दूंगा लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से तो चेंज नहीं हुआ था तो इस साल भी मुझे तो लगता नहीं कि चेंज होने वाला है ये डेट मेरे हिसाब से है ये मेरा ओपिनियन है आई डोंट नो लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से तो नहीं होगा इतना मैं आपको बता सकता हूँ कन्फर्म बताऊंगा ये तो मैं कन्फर्म क्या मैं गवर्नमेंट ना हाँ है ना मैं तो गवर्नमेंट ही नहीं हूँ या अथॉरिटी मेरे पास है भी नहीं कुछ तो लेकिन मेरे हिसाब से माई ओपिनियन नहीं होने वाला आप कितना भी कोशिश कर लो आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा मेरे हिसाब से भैया प्लीज मेक ए वीडियो फ्रॉम वे टू स्टडी स्टडी रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने प्लेलिस्ट में बना के रखे हुए हैं uh, बहुत सारे वीडियोस है फिर भी मैं ब्रीफली बता देता हूँ मैथ्स के लिए आप आर डी शर्मा कर सकते हो अगर आपको मन है करने का एनसीआर बस सिर्फ मत देखे जाना एनसीआरटी प्लस आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव वाला कर सकते हो अरिहड का भी बुक्स पढ़ लोगे थोड़ा सा तो हेल्प ही हो जाएगा एंड बाकी आपके कोचिंग के क्लासेस के ऑनलाइन मेटेरियल जो भी है उसको कर लो केमिस्ट्री के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ आपके क्लास नोट्स जो भी आपके पास है कोचिंग के आ, या फिर आ, आपके क्लासेस के एंड एनसीआर बेसिकली एंड जितना हो सके प्रैक्टिस करो वन शॉट वीडियोस देख के जाओ यूट्यूब से फिजिक्स के लिए यार वही मतलब कुछ एक बेसिक बुक उठा लो एचसी वर्मा भी कर सकते हो वैसे कोई इशू नहीं है एचसी वर्मा करने से लेकिन आप कुछ भी बुक कर सकते हो एनसीईआरटी भी कर सकते हो एचसी वर्मा भी कर सकते हो अपने कोचिंग के मटेरियल्स या फिर कोचिंग नहीं है तो क्लासेस के मटेरियल्स सब कुछ भी कर लो मतलब बेसिकली जो जेडीबीली के लिए है नीट के लिए है सीडब्ल्यू के लिए है ऑलमोस्ट सेम ही है हालांकि नीट में मैथ्स नहीं होता है लेकिन ऑलमोस्ट uh, सभी के सेम ही होते हैं ना हाँ बस फर्क ये होता है कि जे एडवांस के लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है आपको पता चल गया होगा ईयर के पेपर से है ना सीधे लर्न फिजिक्स विच में चलो सीधे बल्ली देखे भी क्या फायदा उल्टा आकर वही एपीएससी की प्रिपरेशन करना पड़ेगा और कोई भी गवर्नमेंट जॉब की आई सी नो वन रिमेन हैप्पी विद प्राइवेट जॉब नो वन

सब में सेम सीन है अभी हालांकि रिसेंटली एनआईटी सिल्सर में पीएसयू आए थे तो एक बच्चा मुझे कमेंट किया था कि आपने बोला था कि एनआईटी सिल्सर में नहीं आता है या तो आ गया हाँ तो आ गया अब देखो क्योंकि पहले नहीं आते थे लेकिन इस साल आया है तो शायद इस साल से आएगा फिर कोई इशू नहीं है ए में भी तो आते हैं जे में भी आते हैं तो अभी उनका मर्जी वो लोग जहाँ भी जाए मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता लेकिन एक क्राइटेरिया है कि जिस स्टेट में जो पीएसयू रहता है उस स्टेट के बच्चों को वो लोग लेते हैं तो वो लोग सेंट्रल से नहीं उठाते थे पहले पहले स्टेट से उठाते लेकिन एसी एसी से पहले उठाते थे अभी एनआईटी में चले गए तो ठीक है उन, उनकी मर्जी लेकिन हाँ एसी एसी में भी चाहते हैं स्पेशली एसी में तो चाहते ही है।, है ना तो हाँ बहुत इस इसको क्योंकि एनआरएल डाला है, 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 है। एनआरएल मिला, मिला है बहुत सारे बच्चों को बारह या तेरे बच्चों को मिला था ऑयल मिला था आई गेस तो ऐसा ही यार मतलब बहुत सारे को मिलता भी ऐसा तो कुछ, कुछ बात नहीं है ना दीट स्म्यूक डे तो आई शुड प्रिपेयर सेपरेटली फॉर इट्स आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो करते रहो लेकिन मैथ्स तो नीट में नहीं है तो मैथ्स का आपको बस एक्स्ट्रा करके देख के जाना पड़ेगा है ना बाकी तो आप एकदम सेम है कुछ भी डिफरेंस नहीं है आप कुछ भी आ, मतलब एक्स्ट्रा करके प्रिपरेशन मत करो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा जितना हो सके एक होलिस्टिक अप्रोच रखो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखो जे का कर रहे हो करते रहो सी का भी सेम ही है बेसिकली क्या एक्स्ट्रा करोगे है ना बस पैटर्न को समझना पड़ेगा क्वेश्चन के लेवल को समझना पड़ेगा डिमांड को समझना पड़ेगा है ना एंड नीट का भी वो सेम ही है नीट का तो इनफेक्ट मोर रिलेवेंट है सी प्रिपरेशन को लेके तो इतना कुछ इश्यू नहीं है बस मैथ्स को दिख के जाना मैथ्स में बहुत बच्चे फंसते हैं उसी के कारण रैंक नीचे आता है है ना तो मैथ्स को इग्नोर मत करना मैथ्स के कारण बहुत बच्चों के रैंक कम आया है फिर मन शाह ब्रांच नहीं मिला फिर फर्स्ट काउंसिलिंग में नहीं मिला सेकंड काउंसिलिंग में नहीं मिला तो ऐसा ऐसा करते फिर बहुत टेंशन भी होता है आई जस्ट होप कि आप सभी बच्चों का फर्स्ट काउंसिलिंग में ही हो जाए जहाँ भी चाहिए आप लोगों को वैसे एंड हाँ तो वही है तो 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 गूगल क्लास में देखो बेसिकली बहुत सारे बच्चों को पैटर्न समझना होता है पीवाई क्यू चाहिए होता है तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ने ज्वाइन किया हुआ है अभी तक तो आपको भी ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो इसका लिंक मेंीवियर क्वेश्चन एंड आपको मॉक टेस्ट भी अराउंड सिक्स सेवन आई गेस मिलेगा डिबीव भी आपको काफी सारे मिल जाएंगे तो उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री यहाँ पे कुछ भी पेज नहीं है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा तो ज्वाइन कर सकते हो है ना और आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो चाहो तो लास्ट अपडेट लाइव स्ट्रीम फॉर ओनली सब्सक्राइबर्स यार आ, मैं क्योंकि या, मेरे इस चैनल पे बहुत सारे पॉडकास्ट भी डालता हूँ बहुत सारे एपीएससी के भी मतलब बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ कुछ एक्सपीरियंस होंगे डेफिनेटली सी का भी एक अलग डोमी हो गया तो जो भी बच्चे लाइव स्ट्रीम को देखना चाहते हैं सीधे सी डब्लिए तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं सिर्फ वो सब्सक्राइबर्स वाले को ही मतलब उस लाइव स्ट्रीम पे लाऊंगा हालांकि उसमें एपीएससी वाले भी होंगे लेकिन वो लोग नहीं ज्वाइन करेंगे ना डेफिनेटली तो so इसको मैं पब्लिक नहीं रखूंगा ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो आपकी मर्जी है वैसे तो मैं मतलब पब्लिक के लिए भी वीडियोस देता ही रहता हूँ लेकिन लाइव स्ट्रीम स्पेशियली पे सिर्फ आप मुझे क्वेश्चंस पूछोगे मैं उसका एंसर्स दूंगा अगर मुझे पता है डेफिनेटली तो वो लाइव स्ट्रीम सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए कब होगा वो मैं जल्दी ही करूंगा ठीक है डेट मुझे नहीं पता वो मैं जल्दी ही करूंगा वैसे है ना तो आई होप इस वीडियो को देख के आपको कुछ समझ आया होगा अच्छा लगा होगा एंड uh, मैं यार ऐसे ही uh, थोड़े बहुत वीडियोस लाते रहूंगा एंड मेरा मोटिव देखो मेरा मोटिव ये नहीं है ये बिल्कुल नहीं है पहले से ही नहीं है कि uh, मतलब यू you नो know, लोगों को मतलब सीधेवली को देने के लिए इंस्पायर करना मैं क्या इंस्पायर कर लूंगा मेरे सीधेवली में मैं जब भी मेरा तो ऑलमोस्ट तीन साल हो गया है है ना इस वीडियो को डालते डालते एजुकेशन में तो मोर देन सिक्स इयर्स हो गया है ऑनलाइन में सी डबल्यू में तीन साल हो गया मैं ये बता रहा हूँ तो यार देखो मेरे आने से पहले भी बहुत सारे बच्चे सी डब्ल्यू देते थे उनको मिलता था मेरे को खुद ही मिला है है ना एंड uh, ये तो कब से लेकिन मैं बस आप लोगों का काम को इजी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो शायद अगर मुझे पता है तो मैं आपसे वो शेयर कर लूंगा जैसे कि प्लेसमेंट्स की बात है इस साल कितना प्लेसमेंट हुआ है जेई में जी में या फिर बीबीसी बीबीसी में जी में वो शायद मुझे पता होगा शायद आपको भी पता होगा लेकिन क्योंकि मेरा एक नेटवर्क शायद बन गया है तो इसलिए मैं इस चैनल को खोला हूं एंड कुछ कुछ अपडेट्स जो मुझे मिलते रहते हैं बच्चे मुझे भेजते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं हर दिन बैठा रहता हूँ अपडेट्स को लेकर नहीं बच्चे मुझे भेजते हैं तो जाके मैं आपको शेयर करता हूँ ऐसा ही होता है है ना तो आप मुझे हेल्प करते हो तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ तो यही एक म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग रहता है बाकी तो कुछ नहीं है तो इस चैनल का ये मोटिव है ही नहीं कि मैं आप लोग को इंस्पायर करूँ सीधे देने के लिए ऐसे भी आप दोगे अगर आपको जेई में नहीं मिलेगा नीट में नहीं मिलेगा

तो कुछ चाहिए तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा है ना सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो मैं ब्यूटीफुली बोला ठीक है ब्यूटीफुल तो नहीं था यार बोरिंग वीडियो था एजुकेशनल uh, बोरिंग होता है टू बी ऑनेस्ट में भी इतना दिखता भी हो भी नहीं है ना uh, लेकिन हाँ लाइव स्ट्रीम करूंगा वहां पे आपके पर्सनल क्वेरीज में लूंगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जरूरी नहीं है लेकिन कर सकते हो तो कर देना भाई बाय बाय टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट